लभेड़े का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 किलो लभेड़े लिए हैं। इन्हें हम इस तरीके से तोड़ लेंगे। इनकी ये कैप लगी रहेगी, सिर्फ डंडी से हमें इन्हें अलग करना है इस तरीके से। इसे चाहे तो आप चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन मैं हाथों से ही इसे तोड़ लूंगी। लभेड़े की कैप इसलिए नहीं निकालते हैं, अगर इसे निकाल देंगे तो इसके अंदर पानी चला जाएगा और पानी जाने से लभेड़े का अचार खराब हो जाएगा। तो सारे लभेड़े हम इसी प्रकार से तोड़ लेंगे। ऐसे लभेड़े जो है ये खराब है, इन्हें हम साइड कर देंगे, इससे अचार खराब हो जाता है। सारे लभेड़े छोड़ दिए, अब इन्हें छोड़ दिए उबालने के लिए। यहाँ मैंने ले लिया है 1/2 भगोना पानी, इसे मैंने गर्म होने रख दिया है। अब इसमें डालेंगे नमक और हल्दी। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच नमक और इस पानी में अब उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद ही हम लभेड़ों को डालेंगे। पानी में उबाल आ गया है, अब हम सारे लभेड़े इसमें डाल देंगे। अब इन लभेड़ों को हम 5 से 10 मिनट तक पका लेंगे और बीच बीच में इस प्रकार से चलाते भी रहेंगे। इसे ढककर हम नहीं पकाएंगे, इन्हें ओवर कुक नहीं करना है, बस इन्हें हाफ बॉइल करना है। मैंने लिए है 100 ग्राम सौंफ, इसे हल्का सा भून लेंगे हम, ज़्यादा नहीं भूनना है। सौंफ को अलग से ही भूनना है और मसालों के साथ हम नहीं भूनेंगे। सौंफ भूनने के बाद एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आ जाती है, लगभग 1 मिनट तक हम इसे धीमी आंच पर भून लेंगे। सौंफ भून गई है, अब इसे साइड कर लेंगे। इसके बाद हम सरसों को भून लेंगे, इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। इसी कढ़ाई में हम ये 100 ग्राम सरसों भून लेंगे। मैंने यहाँ पे पीली वाली सरसों ली है, थोड़ी सी मैं काली वाली सरसों भी लूँगी। मैं इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। मसालों को भून लेने से क्या होता है कि अचार बहुत अच्छा बनता है और लंबे समय तक चलता है। लिया है मैंने 1 बड़ा चम्मच काली सरसों, इसे भी हम हल्का हल्का भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है। हमारी भून गई है, अब इसे भी हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब 2 बड़े चम्मच हम मेथी भी इसी में भून लेंगे, मेथी से भी अच्छी खुशबू आने लगेगी। मेथी डाइजेशन का बहुत अच्छा काम करती है। मेथी भी हमारी भून के तैयार हो गई है, इसका रंग बदल गया है। अब इसे भी हम साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब हम 1 बड़ा चम्मच अजवाइन भी भून लेंगे, इसे थोड़ा जल्दी जल्दी भून लेंगे हम धीमी आंच पे, नहीं तो ये जल्दी जल जाती है। सभी मसालों को हमें अलग अलग भूनना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अजवाइन भी हमारी भून गई है, अब इसे भी हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। सरसों को हम थोड़ा दरदरा पीस लेंगे, सभी मसालों को हम अलग अलग पीसेंगे। पीली सरसों और काली सरसों को हम साथ में ही पीस लेंगे, बारीक नहीं पीसना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। सरसों को हमने दरदरा पीस लिया है। मेरी दादी नानी तो इन मसालों को सिलबट्टे पे पीसती थी, उससे अचार बहुत ही टेस्टी बनता था, बहुत ही स्वादिष्ट बनता था। लेकिन सिटी में तो ये सारी सुविधाएँ अवेलेबल नहीं है सिलबट्टे की, तो मिक्सी में ही पीस लेते हैं। तो बस ध्यान रखना है कि मोटा मोटा रहना चाहिए इस प्रकार से। इसी जार में अब हम सौंफ को पीस लेंगे। सौंफ को भी हमें दरदरा पीसना है, बारीक नहीं करना है। सौंफ को भी हमने दरदरा पीस लिया है। सौंफ और राई को हम एक साथ मिक्स कर देंगे। अब इसी जार में हम मेथी और अजवाइन पीस लेंगे।
पीस लिया है, अब इसे भी इसी जार में हम मिक्स कर देंगे। बीच बीच में हमने लबेड़ों को इस प्रकार चलाते रहे हैं और देखिए इनका रंग भी चेंज हो गया है। अब हम इन्हें चाकू से चेक कर लेंगे कि ये कितने पक गए हैं। अगर चाकू आराम से इनके अंदर जा रहा है तो आपके लबेड़े हाफ कुक हो चुके हैं। एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये लबेड़े फटने नहीं चाहिए, हमें इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। ये हो चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। लबेड़े हम निकाल लेंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि इन्हें सिर्फ ठंडा करना है, इन्हें धोना नहीं है। जब तक लबेड़े ठंडे हो रहे हैं तब तक हम इसका और मसाला बना लेते हैं। यहाँ मैंने लिए है 2 बड़े कप तेल। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है, थोड़ा सा ही गर्म होगा और हम गैस बंद कर देंगे। इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच मेथी दाना, 1/2 चम्मच हींग, 2 बड़े चम्मच हल्दी और ये 4 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे अचार में बहुत अच्छा रंग आता है। इन सभी को डाल के हम मिला देंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। आपको यहाँ ध्यान देना है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और अब इसी मसाले में हम डाल देंगे ये 4 बड़े चम्मच 4 से 5 बड़े चम्मच नमक है। नमक थोड़ा ज़्यादा ही जाता है अचार में, इसे भी हम मिला देंगे। अब इस तेल को, इस मसाले को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम लबेड़े में मिलाएंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम लबेड़े के डंठल तोड़ लेते हैं चल के। फ्रेंड्स, लबेड़े ठंडे होने के बाद हम इन्हें इस प्रकार से तोड़ लेंगे। इनके सारे कैप हम अलग कर देंगे। इनके सभी डंठल को हमने तोड़ दिया है। अब मैं इनमें एक कट लगा दूंगी जिससे मसाला बहुत अच्छे से अंदर तक जाता है और अचार भी जल्दी बन जाता है। इस प्रकार से हमें गुठली अलग नहीं करना है, बस ऐसे कट लगा देना है सभी में। मसाले को अच्छे से मिला के हम इन लबेड़ों के ऊपर डाल देंगे अच्छे से फैला के। ये जो सूखे मसाले थे, मेथी, सौंफ वगैरह, जिनको हमने भून के रखा था, अब उसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अचार में से। अभी तो ये बना नहीं है, फिर भी इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और यहाँ मैंने लिए थे 2 कच्चे आम। मैंने इन्हें छोटे छोटे पीस में काट लिया था। आप चाहे तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें छोटे पीस में डालूंगी। इससे अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसे एक ज़रूर डालिए। आप 2 आम नहीं तो 1 आम ज़रूर डालिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ मैंने लिए ये सिक्का, ये गले के रस से बना हुआ सिक्का है, ये घर पर ही बना है। अगर आपका इसको इसका वीडियो देखना है तो मैं इसका वीडियो जल्दी ही अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगी। मैंने इसका छिलका बनने के लिए वहाँ प्रोसेस कर रखी है, वो बन रहा है, लेकिन इसमें भी काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। इसका वीडियो भी मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगी। तो फिलहाल मैं ये 2 चम्मच सिक्का इसमें डालती हूँ। इससे अचार बहुत ही अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है और लंबे समय तक चलता है। अगर आपके पास ये सिक्का नहीं है तो आप नॉर्मल वाला सिक्का भी डाल सकते हैं। इससे अचार में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अचार लंबे समय तक चलता है, ख़राब नहीं होता है। मैंने यहाँ ये 2 ढक्कन डाला है, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी, नहीं तो अचार बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है। अब इन सभी मसालों को लबेड़े के साथ में मिला लेंगे धीरे धीरे करके। मेरे पास ज़्यादा बड़ा बर्तन नहीं था जिसमें मैं मिला पाती, इसीलिए मैं इसे डाला डब्बे में डाल के मिलाऊंगी। थोड़ा थोड़ा मैं इसमें डाल देती हूँ और डब्बे में डाल के मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाए। फ्रेंड्स, इस अचार को हमें धूप में नहीं रखना होता है, इसे हम नीचे ही रख सकते हैं, रूम में, किचन में। और लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इसे दिन में 2 बार या 3 बार इसको हिला देना है अच्छे से, मतलब इसको इस तरीके से मिक्स कर देना है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि जो मसाला है, जो तेल है, वो सभी पे अच्छे से कोट हो सके।
मुझे तेल कम लग रहा है, मैं इसमें तेल अभी दोबारा से डालूंगी और गर्म करके ठंडा करके, क्योंकि किसी भी अचार में तेल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। इसी कढ़ाई में हम 1 से 1.5 कप तक तेल गर्म कर लेंगे। तेल गर्म होने के बाद इसे ठंडा होने के बाद पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी इसे हम अचार में डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसे अचार में मिलाएंगे। तेल पूरी तरह से ठंडा हो गया है, अब इसे हम अचार में मिला देंगे। ढक्कन बंद करके तेल हम इसमें अच्छी तरह से मिला देंगे, सारे मसाले भी अच्छे से मिल जाएं। बस इस तरह से हम गोल गोल घुमा देंगे, सारा मसाला अच्छे से मिल जाएगा इनमें। रोज़ हमें इन्हें 2 से 3 बार मिला देना है, लगभग 7 से 8 या 10 दिन के अंदर ये अचार बनके तैयार हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छे से मिल गया है ये। हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा अचार बन गया है? इसमें जो गुठली है उसमें वो लेस आना बिल्कुल बंद हो जाएगा, गुठली लबेड़े से बिल्कुल अलग होने लगेगी, तो हम समझिए हमारा अचार बनके तैयार हो गया है। ये 2 किलो लबेड़े का अचार है और ये बनने के बाद थोड़ा सा और कम हो जाएगा। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।